वेलकम बैक दोस्तों, और एक न्यू टेक मसाला में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को वादा किया था कि रोज टेक मसाला लेके आएंगे, तो टेक मसाला लेके फिर आ गए। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना भाई, बहुत ही मजेदार कुछ न्यूज़ लेके आए हैं। तो भाई तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। भाई पहली खबर है, आपको पता है यार, आपको पता है दोस्तों, फ्लिपकार्ट में 2019 में जितना स्मार्टफोन कंपनी है कौन कितना रैंकिंग में सेल किया है, तो बता दे तो आप लोगों को। पहली आता है रियलमी 41.5%, उसके बाद आता है शाओमी 30.2% सेल किया है, तो उसके बाद आता है वीवो 6.8% और आसूस 6.0%, मतलब 6%, और दूसरे कंपनी अदर्स कंपनी आता है 15.5%। तो भाई इतना सारे कंपनी इतना सेल करते, मतलब ऑनलाइन में आप सोच सकते हो, जस्ट थिंकिंग ब्रो, अब कितना ज़्यादा सेल हो रहा है तो ऑनलाइन में। तो डायरेक्ट दुकान में तो बहुत कम सेल होता है, बट ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा आजकल सेल हो रहा है। तो भाई नेक्स्ट अपडेट आता है Xiaomi की तरफ से, इससे नोट 9 प्रो जो है, स्नैपड्रैगन कौन सा प्रोसेसर आने वाला है आपको पता होगा शायद, मैं बता देता हूँ, नहीं पता होगा तो 720G प्रोसेसर आने वाला है। तो इतना तगड़ा प्रोसेसर आने वाला है, बहुत आदमी इसको खरीदने के लिए बैठा है। तो अभी लॉकडाउन स्थिति है देश का, इतना स्थिति है, आप फोन के करीब में क्यों इतना पड़े हो यार, ध्यान से बैठो और देश का न्यूज़ देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट अपडेट में चलते हैं दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स एक न्यू ईयरबड्स लेके आ रहा है। तो भाई बहुत ही मज़ेदार है ईयरबड्स है, बोला कि 11 घंटा तक कंटिन्यू ईयरबड्स यूज़ करेंगे तो चलेगा 11 घंटा तक, मतलब इन लोगों का बोलना है बहुत ही बढ़िया एक ईयरबड्स लेके आया है। तो देखते आने के बाद ही पता चलेगा, इसका प्राइस लगभग 2000-3000 के ऐसे ही होगा, तो इतना कम प्राइस में बहुत बढ़िया एक ईयरबड्स लेके आ रहा है सैमसंग ने, तो देखो आगे क्या होता है भाई। भाई नेक्स्ट अपडेट आता है, सत्य आप जानते होंगे मीजू की तरफ से, मीजू और मीजू 17 जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है भाई, 4 दिन बाकी और ओनली फॉर 4 डेज, 4 दिन के बाद मीजू 17 लॉन्च होगा। भाई दिन भर दिन सोशल मीडिया में उसका वेबसाइट में आ रहे भाई, हम आ रहे भाई, आ जा भाई, तू पहले आ जा यार, उसके बाद ही कुछ करियो, पहले तो आ जाओ। तो देखते हैं यार, नेक्स्ट अपडेट आते हैं यहाँ पे Huawei के तरफ से भाई, Huawei 9s जो आप सब जानते हैं बहुत जल्दी इंडिया में आने वाला है, इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को बता दे तो 5.59 इंच का डिस्प्ले रहेगा, 4000mAh का बैटरी कैपेसिटी रहेगा जो बहुत ही अच्छा है, और 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप रहेगा, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का ड्रॉप सेंसर भी रहने वाला है, तो इतना अच्छा है। इसका प्राइस इंडिया तक इंडिया में कितना आएगा तो लॉन्च होने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा, तो खैर जब लॉन्च होगा तभी पता चलेगा हम लोगों को। तो चल दिया दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट अपडेट है आईफोन की तरफ से, आईफोन का इतना ज़्यादा चाहने वाला हो गया यार, दिल से दिमाग से धड़कन से फेफड़ों से यार, सब आईफोन एक न्यू फ़ोन लॉन्च किया है जो आप सब जानते होंगे, iPhone SE जो भाई बहुत ही अच्छा है, 2014 का जो प्रोसेसर है, 2014 का जो स्मार्टफोन है, आईफोन 8 का जो लुक है ऐसे ही दिया है, तो भाई न्यू उसका प्रोसेसर न्यू है भाई, तो अच्छा है। तो देखते हैं भाई, इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, फिलहाल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो अगर आप आईफोन का वफादार हो या आईफोन का यार फैन हो तो खरीदो। तो मेरे हिसाब से आईफोन 40,000 इसका प्राइस है, 40,000 ऐसे ही कुछ समथिंग, तो भाई इस प्राइस में दूसरा कंपनी अच्छा से अच्छा फ़ोन मिल जाएगा, तो iPhone SE उतना खास तो मुझे नहीं लगा। तो यार आपका क्या इसका राय है तो ज़रूर कमेंट में बताना। नेक्स्ट अपडेट आता है भाई सैमसंग की तरफ से, सैमसंग M21 जो बहुत जल्दी आने वाला है, इसका फीचर्स भी बहुत ही तगड़ा है, 48MP का अल्ट्रा वाइड रियर कैमरा रहने वाला है, और भाई बहुत ही इतना 48MP का अल्ट्रा वाइड मतलब बहुत ही कम देता है इस हिसाब प्राइस से, और 6000mAh का बैटरी, मतलब 6000mAh का मतलब आप सोच सकते हो बहुत ही कम फ़ोन में बैटरी इतना देता है, और खैर सैमसंग का जो स्मार्ट फ़ोन यूज़ करते होंगे सब जानते होंगे कि सैमसंग का बैटरी जो है बहुत लॉन्ग टाइम तक देता है और कैमरा भी बहुत अच्छा होता है, तो खैर 6000 दे रहा है, और एमुलेट डिस्प्ले भी रहेगा भाई, तो एमुलेट डिस्प्ले, 6000 का बैटरी कैपेसिटी, 48 का अल्ट्रा वाइड कैमरा, तो कितना प्राइस में आपको शायद पता नहीं है, 12000 समथिंग में कुछ मिल जाएगा आपको, तो बहुत ही बढ़िया। तो इंडिया में लॉन्च होने के बाद ही कितना आदमी इसका, बहुत आदमी इसको यूज़ करेगा, कितना आदमी इसको खरीदते हैं देखते हैं, रैंकिंग में दिखा जाएगा भाई। नेक्स्ट अपडेट आता है MI 10 के तरफ से, MI 10 जो है 5G बहुत जल्दी आने वाला है, जो 108 मतलब 108MP का कैमरा सेटअप रहने वाला है, कैमरा सेंसर। तो भाई आप 108 मतलब बहुत दिनों के बाद, मतलब
बहुत कम ही फ़ोन में ऐसा कुछ है। पहली बार आप बोल सकते हो कि ऐसा फ़ोन में 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है जो बहुत जल्दी ग्लोबली लॉन्च होगा। कितना तारीख को आपको बता देते हैं, 8 मई को लॉन्च होने वाला है। तो यार मतलब इंतज़ार किस बात की, पैसा ध्यान से रखो और उड़ा देना उस टाइम में। तो खैर वीडियो भाई इतना ही था, ज़्यादा अपडेट नहीं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों पर चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करना। यार ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको लेके आता हूँ रोज़ाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।